नमस्कार, मैं हूं सुदफ खान। आप देख रहे हैं News 21 TV। आइए देखते हैं ये खास खबर। मॉडर्न कन्वेंट स्कूल सेक्टर 46 फरीदाबाद के प्रिंसिपल ज्योति कोहली ने कहा कि शिक्षा ही सफल जीवन जीने का मंत्र है और शिक्षा ही हमें अच्छे जीवन जीने का सलीका सिखाती है और हमें अच्छे और बुरे का एहसास कराती है। लेकिन उन्होंने कहा, शिक्षा पर सरकार के साथ साथ हम सभी को काम करने की जरूरत है और विदेशी शिक्षा की तरफ ना भागते हुए हमें अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। आज के इस युग में सबसे दुख बात यह है कि आज गुरु और शिष्य की भावना एक दूसरे के प्रति नहीं रही जो पुराने समय में रहा करती थी। इस तरीके से सुधारा जाए, इस संदर्भ में आप अपने विचार व्यक्त करें। मैं मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल ज्योति कोहली। शिक्षा के स्तर को हम दो पहलुओं से सुधार सकते हैं, एक अभिभावकों द्वारा और एक टीचरों द्वारा। टीचर्स को पेरेंट्स के साथ जॉइंटली वेंचर करके सुधारा जा सकता है। जिस तरीके से हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का कार्य सिर्फ शिक्षक का ही कार्य नहीं होता, टीचर्स की पीटीएम्स के टाइम पे हम उनको प्रॉपरली एजुकेट करते हैं। बच्चा कहाँ पर लैक कर रहा है, हम उनको सिर्फ उसकी कमियां बताते हैं, लेकिन कमियां क्या हैं वो हम नहीं बताते। उसकी बैकग्राउंड को जानना चाहिए, बच्चा क्यों कम ला रहा है नंबर। शिक्षा में बहुत सी कमियां, खाली उसका करिकुलम खराब नहीं है, ये नहीं देखे कि करिकुलम खराब है। करिकुलम बनाने वाले भी हम हैं, सुधारने वाले भी हम हैं। पढ़ाने का तरीका, मेथोडोलॉजी को चेंज करना चाहिए। बच्चे की मानसिकता क्या है, पहले हमें उसकी मानसिकता को देखना चाहिए। मानसिकता को उभारते हुए हमें कार्य को सुधारना चाहिए, ना कि हम ये देखें बच्चा खराब है। बच्चा कभी खराब नहीं होता, माँ की कोख से कोई भी बच्चा कभी खराब नहीं होता। समाज को सुधारने के लिए पहले हमें अपने आप को सुधारना चाहिए, शिक्षकों को अपनी मानसिकता को उभारना चाहिए। खाली पैसा कमाना समस्या का समाधान नहीं है। पैसा कमाना एक उद्देश्य को घर में छोड़ के आके ये बताना चाहिए कि हम उस कार्य में लगे हैं, ये सबसे बड़ा नैतिक कार्य है, ये एक सबसे बड़ी चैरिटी है, धर्म का कार्य है जो हम कर रहे हैं। और अभिभावक ये कहें कि हमने स्कूल में छोड़ दिया, मतलब कार्य सारा शिक्षकों का है, नहीं। क्योंकि आजकल के माता पिताओं के पास बच्चे को टाइम देने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। माँ कहती है कि आजकल क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, माँ का कमाना भी जरूरी है, बाप का कमाना भी जरूरी है, लेकिन बच्चे की कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में पैर रखते हुए उसको ऊपर निकालना, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो शिक्षा के समाज में आना, उसके करिकुलम को अपडेट करना, उसकी मानसिकता कितनी है उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, और उसके लिए इवैल्यूएट करना। मैडम, छात्रों में नैतिक शिक्षा की कमी देखी जा रही है, उसकी वजह आप अभिभावक, शिक्षक या सोसाइटी को मानते हैं? इट्स अ मल्टी डायमेंशनल। अभिभावकों की बहुत बड़ी कमी है। जिस तरीके से पहले जमाने में कभी भी औरत अपने पति का नाम नहीं लिया करती, मैं ये नहीं कह रही कि हम वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, आज की डेट में बच्चा अपनी माँ से सीखता है। माँ पहला गुरु होती है, माँ जब अपने पति का नाम लेती है। ये आप लोग सब सुनने में बड़ा बुरा लगेगा कि मैं एक वेस्टर्न कल्चर के, इंडो वेस्टर्न कल्चर के होते हुए पुरानी बात कर रही हूँ। हाँ, वेरी गुड, लोग कहेंगे, पर मैं फिर भी इस बात को कहती हूँ कि अगर एक वाइफ बच्चे के सामने अपने हस्बैंड को ऊंची आवाज में या हस्बैंड अपनी वाइफ को ऊंची आवाज में बात कर रहा है, तो बच्चा वही संस्कार लेके घर में जाएगा, स्कूल में आएगा। स्कूल में अगर टीचर बच्चे को तू तड़ाक करके बात करे तो बच्चा भी वही सीखेगा। इसलिए रिस्पेक्ट, गिव एंड टेक की पॉलिसी होती है और वहीं से बच्चा सीखता है। अगर हम उसको शिक्षा देंगे तो बच्चा भी वही सीखेगा। पहले आप, हम खुद उसको रिस्पेक्ट देंगे तो हम रिस्पेक्ट पाएंगे। तो इसमें मल्टी डायमेंशनल ड्यूअल पॉलिसी है, हमको दोनों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो नैतिकता घर से भी होती है, स्कूल से भी होती है। खाली नैतिकता स्कूल से नहीं आती, क्योंकि बच्चा सिर्फ 8 घंटे स्कूल रहता है, बाकी 16 घंटे वो घर में रहता है। 16 घंटे वो माँ बाप की लड़ाइयाँ, माँ बाप के कितना प्यार है, कितना अपनत्व है, वो वहाँ से सीखता है। तीसरा पॉइंट मैडम, आज यौन शिक्षा जिसे सेक्स एजुकेशन बोलते हैं, क्या उसे अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए? अगर हाँ, तो किस क्लास से और कहाँ तक? वो आपको, मेरे हिसाब से जब बच्चे को हम बैड टच और गुड टच सिखाते हैं फ्रॉम द प्री प्राइमरी ऑनवर्ड्स, उनको सिखाना, नॉट अप टू दैट मार्क सिखा देना चाहिए व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड टच, बट फ्रॉम 3rd क्लास ऑनवर्ड्स मैं ये नहीं कहती कि सेक्स एजुकेशन देना चाहिए, लेकिन अप टिल सर्टेन लेवल उनको ये बता देना चाहिए कि आपको समस्या क्या आ सकती है, स्ट्रेंजर से कितनी लिमिट्स में, कितना डिस्टेंस को मेंटेन करके बात करनी चाहिए। और एजुकेशन की बात है तो हम, अगर बच्चा कोई आउट ऑफ द वे जाके क्वेश्चन पूछता है तो हम कहते हैं कहाँ से सीख कर आया, उस पर चिल्लाने की बजाय उसकी जो क्यूरियोसिटी है उसको उसी वक्त शांत कर दो तो ज़्यादा अच्छा है, ना कि बच्चा जाए यूट्यूब पे ढूंढे, गूगल्स में सर्च करे और फिर वो डर जाए। इससे अच्छा माँ बाप उसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर दे तो बात, समस्या नहीं बढ़ती है।
तो शिक्षा को उसको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझाना चाहिए, तो शायद ये परेशानियां बढ़ेंगी ही नहीं। मैडम आज गुरु और शिष्य का वो रिश्ता नहीं रहा जो पहले कभी हुआ करता था। आज प्राइवेट स्कूलों पर सीधा व्यवसायीकरण का आरोप लगते हैं कि शिक्षा को सिर्फ ये उन्होंने व्यवसाय बनाकर छोड़ दिया है। बिल्कुल सही, कहां तक सहमत हैं आप? मैं एक टीचर होने के नाते मैं इसमें ये बात कहूंगी, चाहे मैं खुद एक टीचर हूँ फिर भी ये बात बोलती हूँ कि बहुत से प्राइवेट स्कूल्स मैंने ऐसे देखे, ऑल्दो मैं भी एक प्राइवेट स्कूल चलाती हूँ, लेकिन मैंने बहुत से स्कूल में ऐसा देखा है कि टीचर्स आर लाइक अ मिंटिंग मनी। वो स्कूल में क्लास में उतनी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाते और बाद में देखते हैं बेटा दिस इज माई नंबर एंड मीट मी फॉर द सेक ऑफ ट्यूशंस। क्लास में स्कूल में अच्छे पैकेजेस ले रहे हैं लेकिन उनको ये रहता है कि बाहर आके मिलेगा ट्यूशंस लीजिएगा। जब तक ये व्यवसाय एक गुरु शिक्षा परंपरा, पहले गुरु में देने की शिक्षा होती थी, मैं जितना निकाल के दे सकूं निचोड़ के दे सकूं, आजकल पैसा पैसा पैसा। तो पैसा कमाना अगर हम अपने ज्ञान को पैशन से करेंगे तो वो गुरु शिक्षा परंपरा आज भी कायम रहेगी। आज भी द्रोणाचार्य हैं और आज भी अर्जुन है, आज भी हमारे बीच में कृष्ण पैदा हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन शिक्षक अभी शिक्षक एक अपने आप में भगवान है, गुरु है, बशर्ते गुरु को ढूंढना और शिष्य को ढूंढना।